डेलिना में आज अर्बन वॉक के नाम से एक बुटीक का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए दुकान की मालकिन सना मिर्जा ने कहा कि ये एक महिला बुटीक होगा जो परिधान संबंधी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस पहल के पीछे का उद्देश्य महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने आगे कहा कि अगर समर्थन और प्रोत्साहन मिले तो एक महिला किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है और मैं मिलित कॉलोनी दिल्ला में रहती हूँ और मैंने MBA किया है मलेशिया से। जी एक्चुअली मेरा बहुत मतलब बचपन से ही एक पैशन था मतलब फैशन डिज़ाइनिंग को लेकर, लेकिन मैं मतलब अपनी स्टडीज़ की वजह से बाहर ही रही हूँ हमेशा से। कुछ साल पहले वापस आके मैंने मतलब बहुत पहले डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जो हमारा एरिया है थोड़ा अर्बन ही है, इसी वजह से हमने इसका नाम भी रखा है द अर्बन वॉक। तो यहाँ पे हमने ये वाली फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो इस वजह से मतलब हमारी सारी सोसाइटी को इस चीज़ की एक फैसिलिटी मिल जाए। हमने अभी ये बुटीक स्टार्ट की है जिसमें आपको स्टिचिंग भी होगी, कस्टमाइज स्टिचिंग अवेलेबल है। हमारे टेलर जो हैं बहुत अच्छे बाहर से आए हुए हैं और जो फैब्रिक भी है हमारा मतलब जो हम रेडीमेड बेच रहे हैं, मतलब आपको ऐसी वैरायटी और कहीं मिलेगी नहीं पूरे बारामूला में। प्लस अभी हम सिर्फ ये जो अभी हमने बुटीक स्टार्ट की है, इसके बाद हमारा सलून भी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इन्हीं दो चीज़ों की कमी थी जो हमारे सोसाइटी में कहीं कभी थी नहीं। तो अब ये हमने स्टेप उठाया ताकि हम मतलब ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें अपने सारे नेबरहुड को। थी लेकिन मैं फिर ये सारी चीज़ें मतलब जिस चीज़ की कमी हम खुद हमें भी रही है हमेशा से, मैं वही सोचती थी कि इन सारी मतलब ये कमी सबको रही होगी, तो मैं वो चीज़ पूरी करना चाहती थी। प्लस मैं एक बिज़नेस बैकग्राउंड से ही ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं वही आगे भी करना चाहती थी। मेरा MBA करने का मकसद भी यही था कि मैं अपना बिज़नेस ही एक्सटेंड करूँ। मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास थोड़े भी रिसोर्सेज हैं, आप बेकार बैठने से अच्छा है कि आप अपने थोड़े रिसोर्सेज से ही आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें, क्योंकि हमने भी अभी मतलब उतने हाई लेवल पे स्टार्ट नहीं किया है, थोड़े से किया है, बट इंशाल्लाह इसी थोड़े को हम बहुत ऊंचा लेकर जाएंगे। ये किया है और जी ने एक्चुअली यहाँ पे आप जैसे जानते हैं यहाँ पे ज़्यादा अभी इस बारे में लोगों को बुटीक्स वगैरह की ज़्यादा नहीं है मतलब यहाँ पे फैसिलिटी, तो ये एरिया भी हमारा बिल्कुल ऐसा था, हम लोगों को खुद 7 किलोमीटर्स यहाँ से दूर जाना पड़ता था टेलरिंग वगैरह या शॉपिंग के लिए, तो उसी वजह से हमने यहाँ पे फैसिलिटी लाई ताकि सबको इजी हो जाए। और हमने कोशिश की है जो बिल्कुल लेटेस्ट है हमारे पास जो आज ट्रेंड में है वही लाने का, और मतलब हमने ब्राइडल वेयर भी थोड़ा बहुत रखा है, कैजुअल वेयर भी है, और इंशाल्लाह विंटर का हम स्टॉक ला रहे हैं, हम लोग जुत्तीज़ वगैरह और बैग्स वगैरह इंशाल्लाह सब ला रहे हैं। तो बिज़नेस बैकग्राउंड से ही है और आजकल तो नौकरी का ऐसे ही नौकरी किसी को नहीं, आज इतने बड़े डॉक्टर्स MBBS कर करके बैठे हैं सब लोग घर पे, हमने सोचा हम क्यों ना अपना ही बिज़नेस स्टार्ट करें, बाकियों को भी मौका दें यहाँ पे काम करने का, हमारी वजह से और भी किसी को यहाँ काम करने का मौका मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो उसी वजह से यही है कि आप लोग बहुत सारी आज गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, स्कीम्स दिए हैं, आप लोग उनका इस्तेमाल करें और आप लोग भी अपने मतलब सब अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें जो वो करना चाहते हैं। शिक्षा और ज्ञान के प्रतीक इस्लामिया स्कूल